आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग एवं खंड चिकित्सा अधिकारी चंडी के निर्देशानुसार आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठाड़ में कोविड टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय ठाकुर विशेष तौर से टीकाकरण केंद्र में मौजूद रहे। उनके साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठाड़ से डॉक्टर श्रेया भी मौजूद रहीं। कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण में आज लगभग 50 लोगों का टीकाकरण किया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी चंडी डॉक्टर उदय ठाकुर ने बताया कि कोविड टीकाकरण के पहले चरण में आज चिकित्सा खंड के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड टीकाकरण किया जाएगा। उसके पश्चात अगले चरण में अन्य विभाग जैसे पुलिस, गृह रक्षकों का भी टीकाकरण किया जाएगा। से जानना चाहूँगा कि आज जो ये टीकाकरण शुरू हुआ है पीएससी कुठाड़ में, इसमें किन किन लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी और उसके बाद किस तरह से इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी? आज दो फरवरी को यहाँ कुठाड़ पीएससी में कोविड का टीकाकरण हो रहा है, जिसमें हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग तो तकरीबन कोई 60-70 लोग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आएंगे, और अब वो तो शाम तक लग पाएगा कितने लोग आते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सब लोगों को टीके लगाने चाहिए, क्योंकि ये टीका जो है हमें कोविड की बीमारी से बचाएगा। आज जो टीकाकरण हो रहा है, क्या स्टाफ मेंबर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो टीकाकरण है, क्योंकि फर्स्ट फेज का टीकाकरण हो रहा है, तो इसमें सिर्फ जो हेल्थ वर्कर्स थे या जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जिसमें कि हमारे फीमेल हेल्थ वर्कर्स, मेल हेल्थ वर्कर्स, जो फील्ड का स्टाफ है, आशाज हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको टीके लगे हैं। इसके बाद प्रक्रिया कैसे चलेगी सर टीकाकरण? अब ये फर्स्ट फेज है, इसमें तो अभी हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, और सेकंड फेज में फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें होमगार्ड आएंगे या पुलिस वाले आते हैं, तो उन लोगों को सेकेंड फेज में लगेगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कोविड से बचाव के लिए सभी को जागरूकता का प्रदर्शन करते हुए कोविड टीकाकरण करवाना है, ताकि सभी लोग कोरोना के संक्रमण से प्रभावित होने से बच सकें। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।